नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यूज टीवी सिवान की जो टीम पहुंची हुई सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र की महामदा बाजार में, अब ये महामदा बाजार पहुंचे हैं। और आपको बता दें, यहाँ एक बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी लेकिन बाल बाल बच गई। बता दें कि यह मामला कुछ ये सामने आ रहा है कि आप देख सकते हैं कैमरे पर, हम आपको एक तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे। आप तस्वीर देखिए, आप देखिए एक छोटा सा चौतरा यहाँ पर बना हुआ है, सीमेंट बालू ईंट का जो है चौतरा बना हुआ है। और यहाँ पर जो है मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर ताजिया रखते थे, इसे लोग इमामबाड़ा बोलते हैं। और यहाँ जो है ताजिया रखा जाता था, लेकिन अभी दो दिन पहले यहाँ पर कुछ मामला ऐसा आया कि इसको कर विवाद छिड़ गया। यहाँ जो है हिंदू और मुस्लिम में जो है विवाद छिड़ गया और ये मामला जो है ब्लॉक तक पहुँच गया, थाने तक पहुँच गया। और यहाँ पे जो है अभी ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, सीओ साहब, बीडीओ साहब, साथ में भगवानपुर हाट थाने के जो प्रशासन है वो दल बल के साथ पहुँची हुई थी। सच्चाई क्या है, यहाँ के लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे पूरी घटना की सच्चाई क्या है। तो एक बार आप तस्वीर देख लीजिए, ये तो तस्वीर आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तस्वीर जो है महामदा पंचायत भवन की है, जहाँ पर काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सभी भाई जो हैं वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और मामला यही सामने आ रहा है कि ये जो चौतरा है, इसी चौतरे को लेकर विवाद चल रहा था। यहाँ पर जो है इसे इमाम बाड़ा बोलते हैं, यहाँ पे ताजिया रखी जाती थी, लेकिन कुछ लोग के द्वारा जो है यहाँ पे हनुमान जी का झंडा रख दिया गया, जिसको लेकर विवाद बढ़ गया। और विवाद इतना बढ़ा कि यहाँ पे जो है भगवानपुर हाट थाने की प्रशासन, बीडीओ साहब और सीओ साहब दल बल के साथ पहुंच गए। मामला काफ़ी गंभीर था, लेकिन प्रशासन जो यहाँ पहुंची हुई थी वो सभी लोगों को समझाने बजाय काम की, तब जाकर ये मामला जो है शांत हुआ है। अभी हमारे बीच यहाँ के कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम कलामुद्दीन है। घर आपका यहीं हुआ? जी, महामदे में है घर। अच्छा, ये बताइए कि जो बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी, यहाँ पे भी प्रशासन पहुँच गई दल बल के साथ, यहाँ पे बहुत बड़ा दंगा होने वाला था, क्या कुछ सच्चाई क्या है? दंगा तो नहीं होगा यहाँ पर, सबका माने एक साथ जैसा है, सब भाईचारे हैं, कोई दंगा होगा की बात नहीं था। हम लोग बैठ करके इस माने सभा को सोल्व कर सकते थे, इस समस्या को हल कर सकते, लेकिन रह गई बात कि सर अब यहाँ पर जो झंडा हाला गया, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा। झंडा किस चीज़ का था? वो हनुमान जी का सामने दिखाइए उसको, हनुमान जी का झंडा ये था। हाँ, यही झंडा। अच्छा, था ये झंडा, तो इसी में हला दिया गया था जी, यहाँ पे। तो हम बोले कि भाई सुबह आकर के यही बात बोले कि भाई आप यहाँ से ये झंडा हटा दीजिए, नहीं तो बात विवाद बढ़ाने से क्या फ़ायदा है। बस यही बात हम बोले, उसके बाद बोले कि भाई नहीं, अब नहीं हटेगा। तो हम बोले कि नहीं हटेगा तो प्रशासन की मदद लिया जाएगा। तो फिर हम प्रशासन के मदद नहीं, हमारे जो भी अलाधिकारी इस खबर को देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उन्हें ये समझ में क्लियर नहीं आ पा रहा है कि मामले सच्चाई क्या थी, ये क्या चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे ये इमामबाड़ा है, यहाँ पर तजिया रखा जाता है, सब भाई यहाँ हिंदू मुस्लिम सारे भाई बैठ करके अपना पूजा पाठ करते हैं, भाईचारा बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इमामबाड़ा है, ताजिया रखी जाती थी जी जी। और यहाँ पर हनुमान जी का झंडा लगा दिया गया जी, तो इसका विरोध क्यों किया गया? विरोध इसीलिए किया गया कि भाई सामने पर्व है, पर्व भी जानो, जो तुम कुछ भी करो उसे हमको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो कुल मिलाकर कहा जाए कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात आई जा रही है? नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई बातें नहीं है कि हमारा भाई कोई भी हिंदू मुस्लिम यहाँ कर दे, सब लोग भाई एक जैसा है। त्योहार कब है आपका? 17 तारीख को है। 17 तारीख को जी, मुहर्रम है आपका जी। अच्छा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे झंडा लगा दिया गया जी, इसका आप लोगों ने विरोध किया? हाँ, लेकिन हम लोग अपने में भाई सब बैठ करके, गाँव वाले लोग बैठ करके इसका, और प्रशासन जो आई थी वो अपना सोल्व कर दी कि भाई यहाँ पर कोई फिर ऐसा कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इस मामले को आप कहाँ तक देखते हैं, क्या कुछ साजिश है या रणनीति है? नहीं नहीं, इस मामले को हम साजिश तो कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे सब गांव वाले भाई सब ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, किसकी गलती से यहाँ पे झंडा लगाया गया? अब ये तो गलती हम नहीं बता सकते, हम तो यहाँ तो थे नहीं। जमीन किसकी है? ये जमीन इमामबाड़ा की है। इमामबाड़ा जी, मतलब ये किसी की पर्सनल जमीन नहीं है? नहीं, पर्सनल जमीन तो जैसे किसी और का था, वो दे दिया है इमामबाड़े के लिए। अच्छा। तो ये इमामबाड़ा हम लोग कायम कर दिया, वो मैंने पूर्वजों से आ रहा है, जैसे हम लोग 50 साल का उम्र हो गया उस टाइम से भी ये चल रहा है। अच्छा, जब हम न्यूज बना रहे थे उस समय कुछ एक भाई जी पे क्लेम आया हुआ था, एक भाई जी हमारे मौजूद है, इन पे क्लेम आया था कि ये वहाँ पे मौजूद थे जब यहाँ पे झंडा गाड़ा जा रहा था, और यहाँ पे जो है इसकी खुदाई की जा रही थी, कुछ यहाँ पे शायद ईंट ऊट की खुदाई की जा रही थी उस समय, उसके पहले 2 मिनट पहले ये पे मौजूद थे। इनसे जान लेते हैं क्या सच्चाई क्या है। भैया आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम जलालुद्दीन है। सच्चाई ये है कि अब त्यौहार का टाइम आ रहा है, तो इसका तो लाजमी है कि ये टूटा फटा है तो इसका रिपेयर होगा। इसमें कुछ जैसे कुछ घरों सजाया जाता है, कुछ भी किया जाता है ना, इस वजह से हम लोग कर रहे थे। लोग ने बोला कि नहीं, हिंदू लोग की नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, हम लोग का। फिर सुबह झंडा गाड़ दिए, महावीर झंडा, कुछ लोगों ने ऐसा,
और लड्डू उड्डू चढ़ा दिए, हम लोग प्रशासन सर की मदद लिए जी। हम लोग आपस में तो चुका है, हाँ, शांत अभी लोग फिर लोग आप लोग धूमधाम से ताजिया मनाएंगे। हाँ, हाँ बिल्कुल मनाएंगे। चलिए एक और चाचा जी मौजूद, इनसे बात कर लेते हैं, क्या नाम पड़ेगा? लखीचंद प्रसाद। अच्छा, मेरा घर। ये बताइए कि अभी अभी जो है यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे दल बल के साथ प्रशासन पहुँची थी, सीओ साहब और बीडो साहब भी पहुँचे हुए थे, सच्चाई क्या है, क्या कुछ सच्चाई क्या है? सब लोग यहाँ पर, ये जो जमीन है जो इमामबाड़े को दिया गया है, हिंदू के प्रदत्त जमीन है, ये पूर्वजों लोगों ने दिया है कि मिलनसार के लिए, कि हम हिंदू और मुसलमान दोनों आदमी मिलकर रहेंगे और यहाँ पर भागवत कथा होता था। ये देखिए पूरे, यानी भागवत कथा सब कुछ होता था। हाँ, फागु बाबा आते थे, फागु पांडे आते थे, भागवत कथा सब लोग, हम लोग छोटे छोटे थे तो अपने घर से वो कोदो का पुआरा चाहे जो भी लाते थे, यहाँ पर भागवत कथा सुनते थे। आज के तारीख में इनका ये भी होता था। और जो ताजिए का जो है ना, शुरू से हम लोग देते, बचपन में देते कि जितने हिंदू लोग हैं ताजिया वही उठाते थे। अच्छा, हाँ वही उठाते थे। इनके मिलनसार की प्रमाण दे रहा हूँ कि हम लोग देखे हैं कि मिलनसार में ताजिया जो हिंदू लोग उठाते थे और गदका खेलते थे, आते थे जाते थे घर में। आज भी यहाँ पर जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो ताजिया हर एक हिंदू के घर में जाता है, और घर जब में जाता है लोग मलिदा चढ़ाते हैं, जो भी जो श्रद्धा होता है वो देते हैं। यहाँ मिलन तो अब पता नहीं ये क्यों डिस्टर्बेंस हो गया, मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ इतना मिलजुल गया है। एक और आपको मैं एक मिसाल दे रहा हूँ यहाँ पर कि ये कुछ यहाँ समुदाय जो है ना, उसी समुदाय में हमारे एक सलीम मियाँ हैं जो कि हमारे हिंदुओं ने मिलकर उनको सरपंच बनाया था भगवानपुर हाट में। अच्छा, हाँ ये पूरे महमदा गांव की, पूरे हम लोग पंचायत की देन है, वो हमारे पंचायत के सरपंच थे। हाँ तो हम तो जो हम लोग के साथ नहीं होता तो कैसे संभव था, ठीक है? तो यहाँ पर आगे से कोई विवाद नहीं होगा। 17 तारीख को मुहर्रम है, मुहर्रम जब ये हो जाएगा उसके बाद सभी बच्चे यहाँ पर सरस्वती पूजा करते हैं, भागवत करते हैं, जो गढ़ में जो मेला लगता है झंडा यहीं से उठता है, सब लोग उठाए थे, हर हिंदू और मुसलमान सब लोग साथ ही जाते हैं। शादी भी होती तो स्टेज यहीं पर लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सबका, हाँ हाँ सब कुछ, सब कुछ होने के बावजूद विवाद कैसे बढ़ा? विवाद देखिए एक बात है, हमारे कुछ लोग बोले नहीं जो पता नहीं कैसे अचानक क्या हुआ, हाँ खुदाई हुई थी, अब ये बता रहे कि खुदाई हुई थी आगे इसको एक्सपेंशन माने बढ़ाने के लिए, और इनके कहने का मतलब है कि बढ़ाइए मत, उसी पर जो भी विस्तार करना है कीजिए, ताजिया रखिए और साथ में हम लोग भी रहेंगे, बस यही बात है। आखिरी झंडे को हटा दिया गया यहाँ से? अब झंडे को तो हम ना हमने लगाते हुए देखा है ना हटाते हुए देखा, अभी आज जैसे मौजूद है वैसे आपके साथ हम यहाँ खड़े हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? धर्मनाथ सा। अच्छा ये बताइए सच्चाई क्या है, क्योंकि आपका दुकान यहीं पे सामने है और ये इमामबाड़ा है, क्या कुछ सच्चाई है? सच्चाई यही है कि आज ना सदियों से यहाँ पर इमामबाड़ा का जमीन है और ये लोग इमामबाड़ा का अपना चौक बनाए हैं जी जी, और उस चौक को पहले से मिट्टी का था, उसके बाद में ईंटा को बनाए, उसके बाद में फिर उसको प्रगति करने के लिए थे तो हिंदू ने उस जुड़ाई अब बनाने की प्रगति में कहे कि नहीं यह नहीं बनेगा, बढ़ाकर नहीं बनेगा, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, उसको हाइट आप लोग कर दीजिए वो ठीक है, आप जो भी मन करे टाइल्स वाइल्स जो भी मन करे वो लगा लीजिए। ये प्रशासन भी कहा, सीओ साहब भी कहे और वीडियो साहब भी कहे, तो ये सब को बातों को निचोड़ कर एक सूत्र बना के नहीं ठीक है, सब लोग मंजूर किए कि हाँ ऐसा ही होगा, बात यही है। यानी ये जगह जो है इमामबाड़ा का ही है? हाँ। किसकी जमीन है ये जमीन? किसी का नहीं है, ये गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट की जमीन। हाँ। है। इसमें किसी का कब्जा नहीं है? कब्जा नहीं है, लेकिन पूर्वज जो है इस पे पूर्वज इमामबाड़ा मानते आ रहे। हाँ, नक्शा में जब कट गया तो ये गवर्नमेंट की जमीन है। अच्छा, तो ये झंडा कौन हला दिया यहाँ पे? वो झंडा हला दिया जैसे जानते हैं कि नहीं कि हम के वजह से, जैसे हम बड़ा तो हम बड़ा, तो कहे कि नहीं तो जब तुम लोग कोड़ कर इसको विकसित कर रहे हो तो हम भी यहाँ पर अपना झंडा हलाएंगे। यानी लोग नहीं चाहते थे कि ये जगह जो है यहाँ से बढ़ाया जाए, लंबाई 24 की बढ़े। हाँ, वो जितने पे उतने पर है, जितना पर है उतना ही पर आप लोग बनाइए। अच्छा। कोई हम लोगों को उसको फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन जब बढ़ाने की नौबत आई तो हिंदू समाज के लोग जो है यहाँ पे झंडा हला दी। हाँ, यही कारण है। हाँ, कारण यही है और कुछ नहीं। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे प्रशासन पहुंची हुई थी दल बल के साथ? दल बल के साथ आई थी तो हम लोग जाकर अब
सीओ साहब वीडियो साहब सबके सामने हम लोग अपना प्रस्ताव रखे, प्रस्ताव के अनुसार उसको यदि जैसे कि हम लोग अपने आपस में समाधान कर लिए कि ठीक है आप लोग जो जनता के समूह के जो बातें हो रही है और राय विचार हो रही है उसके आधार से ही दोनों पार्टी रहेगी और ये लोग अपना बनाएं, अपना पर्व मनाएं। अच्छा चाचा, आपको क्या लगता है फिर से विवाद होगा कि मामला शांत हो गया बिल्कुल? अब विवाद नहीं होगा, ये सदियों से अनुराय है हम लोगों का, हिंदू मुस्लिम का यहाँ पर प्रेम भाव, हम लोग भाई भाई की भाईचारा बरकरार रहेगा। तो चलिए, आपने देखा कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान जो टीम है वो सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के महामदा बाजार पहुंची है और यहाँ मामला ये सामने आ रहा था जिस तरह से मैंने पहले बताया, बार बता दे रहे हैं। आप ये तस्वीर देख लीजिए, ये एक चौतरा है और इसे इमामबाड़ा लोग बोलते हैं और यहीं पर जो है ताजिया रखी जाती थी। अचानक से क्या हुआ कि इस जगह को जो है और बढ़ाने की कोशिश की गई, यानी लंबाई चौड़ाई और बढ़ाने की कोशिश की गई, तभी जो है कुछ हिंदू भाई जो है हमारे वो यहाँ पे एक हनुमान जी का झंडा जो है हला दिए। तस्वीर देख लीजिए, कैमरा मैन चाहे थोड़ा जूम कर लें, वो झंडा दिखा दीजिए। इसी झंडे को जो है यहाँ पे हनुमान जी के झंडे को जो है यहाँ पे लगाया गया, लेकिन तभी इसका कुछ लोगों ने विरोध किया और मामला इतना बढ़ गया कि ये मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक जो है भगवानपुर हाट थाने की प्रशासन यहाँ दल बल के साथ पहुंची, सीओ साहब पहुंचे, बीडीओ साहब पहुंचे, तब जाकर कई घंटों के बाद जो है मामले को शांत किया गया। अभी लोग जो है अब अपने अपने घर को जा रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे काफी तादाद में लोग पहुंचे हुए थे और लोग जो है महामदा पंचायत भवन के पास गए हुए थे, वहाँ पे जो है मीटिंग रखी गई, एक सभा का आयोजन किया गया, वहाँ पे जो है लोगों को इकट्ठा करके समझाने बुझाने का काम किया गया, तब जाकर लोग शांत हुए। अब फिर जो है आने वाले 17 तारीख को मुहर्रम है, मुस्लिम भाई जो हमारे हैं मुहर्रम को धूमधाम से मनाएंगे, एक बार फिर भाईचारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जिस तरह से आपने देखा कि न्यूज़ टीवी सिवान की टीम आज महामदा बाजार से ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई, इस तरह और भी जगहों से आपको हम ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। बने हमारे बीच, देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से। संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट। जो बड़ा बाबू कह रहे हैं बात बहुत सही है कि पर्व त्यौहार है, उल्लास है और वर्षों से आप लोग मना रहे हैं, हम लोग आज हैं, प्रशासन आता है जाएगा, रहना आपको, आपकी दोस्ती, आपकी एक दूसरे से जो प्रेम है उसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं। और हर जगह क्या होता है कि समाज में दो तरह का होता है ना, मतलब घर में भी अगर गार्जियन को थोड़ा सा एक्टिव होना होता है, अगर आपस में दो भाई है तो वो भी आपस में लड़ लेता है, ठीक है। तो हर किसी का, हम लोग का काफ़ी अच्छा एक देश है, हर किसी को अपना अपना स्वतंत्रता है और एक दूसरे का पर्व त्यौहार देख कर खुशी लगता है, क्योंकि कुछ अलग आप में है जो हमको सीखने को या अच्छा लगता है, कुछ हम में है जिसको आपको सीखने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ है। अब यहाँ पे रहा, यहाँ पे भी वही होता रहा था, जैसा कि बताएं कि थोड़ा सा एक होता है उल्लास के क्रम में लोगों को लगता है कि सामने से भी यही चीज़ है, इसलिए अपना कोई एक कदम आगे बढ़ाकर कुछ अपना जो भी पर्टिकुलर स्टेप उन्होंने लिया, वो स्टेप लिया, लेकिन ऐसा फिर उसका हुआ कि कुछ नहीं, सामने के पक्ष से ऐसा लगा कि उसको सही से नहीं समझ पाएंगे। तो हम लोग का तो पहला यही कर्तव्य है कि जो हम लोग का पर्व त्यौहार है अच्छा से मनाए, पूर्व की भांति, क्योंकि पूर्व में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, पूर्व में कोई जब विवाद नहीं है तो पूर्व में जिस तरह से हम लोग मना रहे हैं उसी तरह से हम लोग इस बार मनाएं। उसके बाद जो इस बार जहां कुछ कर कि हम ऐसा करना चाहते हैं, इस तरीके से मनाने का हमारी इच्छा है, सामने पक्ष का होगा कि नहीं हमारा इच्छा थोड़ा ऐसे करके, तो उसमें हम लोग बैठ कर बातचीत कर सकते हैं। और जैसा बड़ा हुआ बहुत अच्छा सुझाव है, मुखिया जी भी कहे ही हैं कि अभी वाला हम लोग त्यौहार शांतिपूर्ण अपना अपना, जैसे आप लोग सहमत भी हैं इस बात से, हमको किसी की आपत्ति नहीं दिखी इसमें, तो अभी जहाँ तक जैसे हम लोग मनाते आ रहे हैं वैसे मनाएंगे। एक बार जब ये हमारा हो जाता है पर्व त्यौहार, फिर हम लोग आपस में बैठेंगे, आपस घर के लोग हैं, जैसे घर के दो भाई बैठते हैं वैसे ही आप सभी लोग एक गार्जियन के रूप में हम लोग भी हैं साथ में बैठेंगे, फिर अगर होगा कि हाँ आगे से हम लोग ऐसा चाह रहे हैं, दोनों लोग की रजामंदी रहेगी, हम लोग अगला तरीका से मनाएंगे पर्व त्यौहार। और अगर आप लोगों में से किसी को इसके बावजूद अगर कुछ है तो आप लोग बेझिझक कह सकते हैं, हम लोग प्रशासन हमेशा 24/7 अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। अभी भी देखेंगे, चूंकि मौसम थोड़ा सा खराब हो रखा है जिस कारण रास्ते में भी है बहुत जगह, कहीं अन्य भी तरह की, कहीं वाटर लॉगिंग का, कहीं पेड़ उड़ देने का, तो सब शिकायतें भी हम लोग देखते हुए आ रहे थे, इस कारण थोड़ा विलम्ब भी हुआ है आने में, ठीक है। फैन करके लाइट नहीं हुआ,
जो इस स्थल पे ही किए, इसका हम लोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आप लोगों का कहीं सहमति है उस सहमति में बस हम लोग एक गाइड की तरह है। हाँ, इस सहमति में है कि अगर किसी को इस सहमति से बाद में भी आपत्ति होती है, कभी लगता है, तो उसका है कि भाई सुशील के लिए बड़ा बाबू हैं, फिर जियो साहब स्वयं हैं, हम लोग हैं, तो जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी आप लोग बता सकते हैं, तो फिर हम लोग उसको आगे भी ये करते हैं। किसी भी तरह का मन में वैमनस्य नहीं रखना है, एकदम अच्छा से हम लोग पूरा प्रशासन के तरफ से जो आप लोग का आगामी पर्व है, सभी लोगों का पर्व है, तो पर्व किसी एक का नहीं होता है, वो सभी लोगों के पर्व के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, अच्छे से मनाइए। खुशियाँ और पर्व त्यौहार इसीलिए होता है कि मन मतलब एक मन ऊर्जा अच्छा से भरे, तो उसके लिए उस तरीका से हम लोग मनाएं। उम्मीद भी नहीं था और उम्मीद अब कर भी नहीं रहे, जो भी अगर थोड़ा बहुत था वो आप लोग अपने ही समझदारी से उसको सॉल्व कर दिए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और काफ़ी आप लोग समय भी दिए, उसके लिए प्रशासन की तरफ से हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं आप लोगों का। हल है जो मुहर्रम पड़ता था या कुछ भी पड़ता था उसी जगह से आप लोग भी करते थे, हिंदू लोग भी करते थे, ऐसे समस्या नहीं आती थी, तो फिर आज नया समस्या उत्पन्न हो गया। सर, ये लोग कूट के आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और चौड़ा कर, मैंने कई वर्षों से चल रही वैसे ही है, पहले मिट्टी का था, हाँ, उसके बाद में ईटा से हो गया, तो वैसे ही था, उससे किसी का जानकारी तो होगा, लेकिन अभी बिल्डिंग करना ये सब करना उसी में सर नया शुरुआत करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसकी आवश्यकता है। मान लीजिए आपका धर्म है तो आप मना रहे हैं, उनका धर्म पहले मना रहे हैं, ये आपसे सौहार्द्री की बात करें, वहाँ पर आप लोग ये सब करेंगे तो फिर तो तनाव होगा ही, इसकी जरूरत तो नहीं समझ में आ रही है, वर्षों से चली गई परंपरा को आप तोड़ रहे हैं, तोड़ने वाला कोई तो जरूर होगा, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा था ना, कि आप लोग कोई भी मैंने मिलजुल के कर रहे हैं, जगह सब अच्छा चल रहा था और आज ये सब कई वर्षों से चल। हमारा ये कहना आग्रह भी है, परिपाटी जैसे चल रहा था वैसे करिए, कहीं कोई अपराध नहीं, जैसे आप लोग रह रहे थे वैसे रहिए। फिर हम लोग जो अभी 17 तारीख को पर्व है उस पर्व को मना लेते हैं और मना के आने वाले जो पर्व है उसके लिए सब आदमी हम लोग बिजली साहब सी ओ साहब जितने भी जनप्रतिनिधि हैं परिवार के लोग सब लोग बैठेंगे, इस मामला को हल कर देंगे, ठीक है। तब तक किसी भी तरह का विवाद आप लोगों को आश्वासन देना पड़ेगा, लिखित भी आप लोग दीजिए, ठीक है, हम लोग किसी तरह का विवाद नहीं, कोई भी सार्वजनिक जगह है उस पर काम करने से पहले प्रशासन को और समाज को जरूर बताइए, दोनों पक्ष का हम लोग बात सुन लीजिए, अभी मान लीजिए बाटे केहू के बैठ जाता है एक फुट छः इंच डेढ़ फुट जितना उठावे के जौन स्थिति बताओ उठा के बढ़िया से टाइल्स मार्बल लगा दी तो सुंदर हो जाओ। अरे अपन समझ लीजिए तो कितना हाइट करेंगे हमारा, अच्छा आप सब लोग शांति से रहो, अच्छा सुझाव बस सबको, ठीक बा, बाकी झंडा नहीं है सर, दो बात बोलेंगे उसको माइंड नहीं किया गया, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसको विस्तार होना चाहिए, हम बढ़ा दें। दो सवाल आपसे करेंगे सर, पहला सवाल ये है, अगर हमारा ये घर है सदस्य हम 5 हैं घर में रहने के लिए, अभी 20 आदमी है, घर बढ़ती है, मंदिर है मस्जिद है, जब उसमें आदमी नहीं अटता है मस्जिद में तो उसको बढ़ा दी है, उसी तरह के मंदिर में है, अगर दिक्कत होती है तो मंदिर का विस्तार होता है ना सर, तो इलाके लोग गलती किए हैं, ये बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि ये लोग जाके उसको बगल में 10 इंची खून दिया जो भाई बढ़ा करके इसको बना दिया, फिर गौरव सामने कहा अगर ये समाज चाहेगी तो बढ़ेगा, अगर समाज चाहेगा जो नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, ये बात सर को पहले ही बता दिया। दूसरा सवाल आपसे कर रहे हैं सर,
कि इमामबाड़ा का जमीन हमारे नॉलेज में नहीं है जे कितना है और किसका है। अभी हमारे बुजुर्ग हैं धर्म भाई, ये बताएं कि फलाना आदमी उसको डोनेट किया था इमामबाड़ा के चलते, उनका कोई मन्नत पूरा हुआ था, डोनेट किए थे। जो चीज़ डोनेट हो जाता है वो मंदिर के हो जाता है, मस्जिद के हो जाता है। हमारा ये कहना है सर से, आप उसको नपवा के सब बता दिया जाए हम लोग को जो कितना इमामबाड़ा का वहाँ जमीन है, ये आपसे ठीक है ये नहीं कहे हमारा यहाँ तक है, ठीक है हमारा यहाँ तक है, ठीक है वो ना कोई सर करवा के निकाल दिया जाएगा तो ये पता चले ना जो ये इमामबाड़ा का इतना है। ठीक है।